नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान शंकर के आत्मज भगवान कार्तिकेय के बारे में। यद्यपि शंकर परिवार में मयूर वाहन पर सवार कार्तिकेय एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, परंतु पूजन की दृष्टि से उन्हें गौण ही कहा गया है। विशेषतः उत्तर भारत में तो उनका अलग से ना मंदिर है ना कोई विशेष पर्व। फिर भी पौराणिक साहित्य में वे अनेक कथाओं के नायक रहे हैं। हाँ, दक्षिण भारत में अवश्य उनका महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनकी उपासना के बहुत से स्थल भी हैं। कार्तिकेय का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम स्कंद भी है। गीता में कृष्ण ने उन्हें अपनी ही विभूति माना है। पुराण साहित्य के महत्वपूर्ण महापुराण स्कंद पुराण के यही विशिष्ट वक्ता हैं। मयूर इनका वाहन है, अतः मयूर वाहन भी कहे जाते हैं। इनके अन्य नाम षडानन, षणमुख, शरजन्मा, पार्वती नंदन, सेनानी, तारकजित, आग्नेय आदि अनेक नाम पूरा कथाओं से जुड़े हैं। दक्षिण में इनके प्रसिद्ध नाम हैं स्वामी कुमार, मुरुगन तथा सुब्रमण्यम इत्यादि। रामायण तथा महाभारत में कार्तिकेय को शिव या रुद्र का पुत्र कहा गया है। कभी गंगा को उनकी माँ बताया गया है तो कभी पार्वती को। कुछ कथाओं में उन्हें आग्नेय या अग्निपुत्र कहा जाता है। कार्तिकेय शिवलिंग के पास स्थित नंदी के पार्श्व में बैठे रहते हैं। उनका जन्म सुदेश्य था। बजरांग दैत्य एवं उसके महिषी वरांगी से ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप एक अजेय पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम तारक था। तपस्या कर अत्यंत शक्ति पाकर तारक ने भीषण संग्राम द्वारा देवों लोकपालों को पराजित कर सारी समृद्धि एवं अधिकार प्राप्त कर लिए थे। उसके भय से त्राही त्राही मच गई थी। ब्रह्मा से प्रार्थना करने पर उपाय मिला कि शिव द्वारा उत्पन्न पुत्र ही तारक का वध कर सकता है। शंकर उस समय पत्नीविहीन थे। उनकी प्रथम पत्नी सती शरीर त्याग कर चुकी थी और हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न होकर शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप में लीन थी। योगेश्वर शिव काम दहन कर विरक्ति में मगन थे। देवों ने शंकर से प्रार्थना कर तारकासुर वध के लिए पुत्रोत्पत्ति की बात की। समय पर पुत्र हुआ स्कंद। उनका जन्म गंगा के किनारे शरवण में हुआ था, अतः उनका नाम शरजन्मा एवं गांगे भी है। उनको उत्पन्न होते ही छहों कृतिकाएं वात्सल्य भाव से अभिभूत होकर मैं पयः पान करूंगी यह कहती हुई पास पहुंची। उनके वात्सल्य से करुणाद्र को कुमार स्कंद ने अपने छह मुख कर लिए और छहों का स्तनपान किया। इसी से वे षणमुख, षणानंद तथा कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेय नाम होने का कारण यह भी है कि वे कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए थे। एक और राक्षस था क्रौंच, जो क्रौंच पर्वत के पास रहता था। कार्तिकेय ने उसका भेदन किया और नाम पाए क्रौंचराति, क्रौंच निषूदन इत्यादि। चैत्र मास की षष्ठी तिथि को देवों ने भगवान स्कंद को सेनापति पद पर अभिषिक्त कर दिया। तभी से वे सेनानी नाम से प्रसिद्ध हुए। देवसेना के साथ सेनानी ने तारकासुर से युद्ध किया और उसे पराजित किया। कालिदास के कुमार संभवन महाकाव्य में यही कथा काव्यात्मक रूप में वर्णित हुई है। कुमार नाम कार्तिकेय का ही है, जो हमेशा युवा रहते हैं तथा बल से तारकासुर वध करने के लिए ही जिनका जन्म संभव हुआ है। एक और पूरा कथा के अनुसार देवों ने राक्षसों के नाश के लिए शिव जी से प्रार्थना की। शिव ने छह मुख धारण किए। हरेक मुख के केंद्र में नेत्र था, जिनसे छह चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां मद्रास के उत्तर पश्चिम में 50 मील के लगभग दूर स्थित झील में गिरी, जो शिशुओं में परिवर्तित हो गईं, जिन्हें छह कृतिकाओं ने माँ की तरह पाला। पार्वती ने जब छहों शिशुओं को एक साथ लिया तो भुजाओं को इतना कस डाला कि एक तन छह मुख वाला बन गया। इन कथाओं के भीतर कोई ज्योतिषीय घटना की ओर ही संकेत लगता है, अन्यथा कोई अन्य तार्किक व्याख्या संभव नहीं जान पड़ती, क्योंकि कृतिका का अर्थ ही होता है नक्षत्रों का समूह। इस समूह में छह नक्षत्र होते हैं। कार्तिकेय बाल्यकाल से शक्तिशाली थे। छोटी उम्र में ही अपने बल के कारण देव सेनापति बने तथा देवों को परेशान करने वाले भयंकर राक्षसों के नाशक भी। इसलिए उन्हें युद्ध विद्या
राष्ट्र रक्षा एवं संग्रामिक विजय का मुख्य देवता माना जाता रहा है। इनकी उपासना से सभी कार्यों में अद्भुत सिद्धि, विशेषकर वाद विवाद एवं युद्ध में विजय अवश्य होती है। वैसे ये संपूर्ण ज्ञान विज्ञान एवं विद्या के प्रदाता और शीघ्र सिद्धि विनायक माने जाते हैं। कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जो शंकर के गले में डाले सांपों का शत्रु है। परंतु शंकर के परिवार की विशेषता है, वहाँ दोनों परस्पर विरोधी एक साथ रहते हैं। यद्यपि कार्तिकेय को षडानन कहा जाता है, पर सामान्यतः चित्रों या मूर्तियों में उन्हें एकानन ही दर्शाया गया है। हाथों में धनुष बाण लिए, अन्यत्र शक्ति तलवार पाश शंख हल आदि भी इनके हाथों में दिखाए जाते हैं। एक हाथ वरद मुद्रा में, दूसरा अभय मुद्रा में खड़ा रहता है। कार्तिकेय एक बार माता पिता से रुष्ट हो गए थे। गणेश एवं कार्तिकेय में किसका विवाह पहले हो, इस बात पर विवाद था। निश्चय हुआ, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके माना कि पूरी धरा की परिक्रमा हो गई। शिव पार्वती को भी बात जच गई, तब कार्तिकेय की प्रतीक्षा किए बिना उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दिया गया। जब कार्तिकेय को पता चला तो वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। बाद में शिव पार्वती उन्हें मनाने वहां गए। वे वहां मल्लिकार्जुन के रूप में गए। तब से क्रौंच पर्वत मल्लिकार्जुन पर्वत कहा जाने लगा। परंतु कार्तिकेय घर लौटने को तैयार न हुए। तब से पार्वती हर पूर्णिमा को तथा शंकर हर प्रथमा यानी प्रतिपदा को उनके पास जाते हैं। यह कथा कार्तिकेय के दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रतिष्ठित होने की बात को कहना चाहती है। वैसे तो कार्तिकेय की उपासना समग्र भारत में होती है, किंतु उत्तर में कश्मीर मंडल तथा दक्षिण में कुमारिका क्षेत्र में विशेष रूप से उपासना होती है। दक्षिण में पूजा पद्धति एवं मंदिरों की बात बाद में देखेंगे, पहले उत्तर भारत में कार्तिकेय की उपासना का रूप देखते हैं। भगवान कार्तिकेय की उपासना विधि विविध आगमों में विशेषताएं कौमार एवं गणपत्य आगमों में प्रतिपादित होती है। प्रयोगसार, शारदा तिलक तथा अनेक प्राचीन ग्रंथों में इनकी उपासना पद्धति में कुछ कुछ अंतर भी है। कार्तिकेय का ओम वचत भुवे नमः यह सप्ताक्षर मंत्र है। कहीं कहीं प्रणों के बाद ह्रीमकार के उच्चारण का विधान भी है। इनके ध्यान के श्लोकों में इनकी कांति सिंदूर की भांति, रक्त पित्त वर्णयुक्त एवं मुखमंडल चंद्रमा के समान आह्लादक तथा अत्यंत रमणीय है। रत्नाभूषणों वस्त्र अंगराग से सज्जित कार्तिकेय भयनाशक हैं। इनकी पूजा विशेषकर षष्ठी तिथि को बतलाई गई है। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान होता है। इस दिन सुवर्णमयी, रजतमयी, काष्ठमयी तथा मृगणमयी प्रतिमा का पूजन होता है। वाल्मीकि ने कार्तिकेय के जन्म प्रसंग को अत्यंत पुण्यमय और समस्त मंगलों का विधायक माना है। उत्तर भारत में शिवपुत्र का प्रमुख नाम कार्तिकेय है, तो दक्षिण भारत में विशेषतया तमिल भाषी प्रदेशों में दो देवियों के पति सुब्रमण्यम है। मुरुगन भी उनका प्रिय नाम है। कार्तिकेय, मुरुगन, कुमार, स्कंद नाम से सुख्यात इस देवता को परब्रह्म मानकर की जाने वाली उपासना पद्धति कौमारम कहलाती है। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की संस्कृतियों में आपसी संघर्ष तथा सम्मिलन के फलस्वरूप दक्षिण भारत में कार्तिकेय उपासना को प्रमुखता मिली। तमिल में मुरुग शब्द का अर्थ है सौंदर्य, ताजगी, सौरभ, माधुर्य, दिव्यता और आनंद। ये सभी गुण सुब्रमण्यम में पाए जाने के कारण वे मुरुगन नाम से उपास्य बने हैं। तमिल के प्राचीन ग्रंथों में सुब्रमण्यम का वर्णन है। वे षण्मुख हैं, देवों के सेनापति के रूप में तारकासुर, सुरपद्म, सिंहमुख जैसे असुरों को मारते हैं। वाहन मयूर है, ध्वजा पर कुक्कुट है। दक्षिण भारत के मंदिरों में सुब्रमण्यम की उपासना स्वतंत्र देवता के रूप में, परिवार देवता के रूप में होती है। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जहाँ सुब्रमण्यम प्रधान देवता हैं तथा शिव, विष्णु, गणेश आदि परिवार देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तमिल प्रदेश में भक्तों ने भगवान मुरुगन के साथ एक प्रकार का आत्मीय संबंध जोड़ रखा है। वे अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान के अलग अलग नाम का स्मरण एवं पूजन करते हैं। तमिल भाषा के कवियों तथा मयूराधिरूढ़, कुमकुम, रक्तवर्ण, सुब्रमण्यम की तुलना नील समुद्र में उदित होने वाले सूर्य से की जाती है। दक्षिण भारत में स्कंद षष्ठी विशेष रूप से उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में सुब्रमण्यम की मूर्ति प्रतिष्ठित है। कपालेश्वर, चिदंबरम, मल्लिकार्जुन मंदिर तथा मदुरा के पास मुरुगन मंदिर प्रसिद्ध है।
इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।